हे फ्रेंड्स, आज हम कैलेंडर बनाने वाले हैं। ये जो है ये मैंने कट किया है एक कैरी बैग से, जो पेपर का कैरी बैग होता है, और उसको स्टिक कर दिया सो दैट ये थोड़ा सा थिक लगे। और ये पेपर कलरफुल पेपर जो था उससे मैंने कट किया है, और इसे थोड़ा सा साइज जो है वो बढ़ाकर के कट किया है। यहाँ पे साइज मेंशन है। अब जो है ग्लू के हेल्प से हम इस पे स्टिक कर देंगे, एंड देन जो है इसके कॉर्नर को जो है हम पेंसिल से मार्किंग करके या फिर विदाउट मार्किंग भी आप कट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। और इसको कट करने के बाद इसको हम चिपकाएंगे। सो गाइज, हम यहाँ पे हैंगिंग जो कैलेंडर बनाने वाले हैं, और ये जो है सालों साल चलने वाला है। अगर आपके पास जगह कमी है तो आप इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। और गाइज, ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइज, इसको स्टिक करते टाइम ना बहुत ध्यान से हमें स्टिक करना है, और ऐसा टोटल हमें 14 बनाना है। एंड नेक्स्ट जो है हमें इस साइज का टोटल 19 बनाना है, तो इसको फटाफट बना लेते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो जस्ट बैक वाले का प्रोसेस ही है। और फिर इस साइज का हमें टोटल 6 बनाना है, तो इसका भी प्रोसेस सेम है। आप उसी प्रोसेस का फॉलो करके आप इसको बना सकते हैं। तो गाइज, अब टाइम हो गया है हमें डेज नेम लिखना है, तो इसके लिए मैंने जो बनाया था कार टाइप से उसका हेल्प लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। उसे थोड़ा सा छोटा हमें लेना है, और फिर जो है हम मंडे से लेके संडे तक जो है वो लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो है पोस्टर कलर से इसे कलर करके इसमें पोस्टर कलर के ही हेल्प से कुछ डिटेल्स जो है वो ऐड कर देंगे, और इसके बाद जो है इसको कट आउट कर लेंगे। एंड इसी सेम प्रोसेस का यूज करके हम डेट के लिए बनाएंगे 0 to 3 और 0 to 9। अब जितने भी हमने कटआउट्स किए हैं उसको जो हमें ग्लू करना है। इसके लिए हम एक बॉल में वाटर लेंगे एंड देन ग्लू उसमें मिक्स कर लेंगे। इसका रेशियो 1:2 होगा, 1 यहाँ पे वाटर है, 2 यहाँ पे ग्लू है। और इसके बाद जो हम इसको स्टिक करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा, ऐसे जो रहता है थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाता है। अब इसके ऊपर ग्लू लगा लगा करके हम इसको जो है फिक्स करते जाएंगे, तो इसको जो है हम फटाफट कर लेते हैं और मिलते हैं इसके कम्प्लीट होने के बाद। सो गाइज, हमने अपने सारे कटआउट्स जो हैं वो फिक्स कर लिए हैं। अब इसमें कुछ डिटेल्स हम ऐड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सेम ही कलर यूज़ कर रही हूँ, और 3D इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे जो बेस कलर है उसी का यूज़ कर रही हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा 3D में थोड़ा सा दिखे। और गाइज, हम यहाँ पे हैंगिंग कैलेंडर बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको रख के देख रही हूँ कि किस सिक्वेंस में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये सिक्वेंस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया एक ही बार में, तो मैंने इसी को चूज़ किया है। और आपके पास जो है ये रिंग जो है इस टाइप का, अगर आपके पास कॉपी होगा तो उसमें से ये स्प्रिंग निकाल सकते हैं और उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हमें ऊपर ऐसे फिक्स करना है, तो यहाँ पे होल करने हैं, तो मिलते हैं आपको होल करने के बाद। सो गाइज, हमने होल कर लिया है, और यहाँ पे हम रिंग लगा करके आपसे मिलते हैं। सो गाइज, हमें चाहिए कुछ इस टाइप का पाइप जिसके दोनों साइड पे ऐसे होल हो। ये होल मैंने खुद से ही किया है, आप इजीली कर सकते हैं किसी भी कील वगैरह का यूज करके। और इस टाइप का अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी लकड़ी का या फिर किसी प्लास्टिक पाइप का जो वायरिंग में यूज होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। और मैंने कैरी बैग का जो होल्डिंग का रहता है वो निकाला था, तो वो मैंने बचा के रख लिया था, तो उसी का यूज करके मैं दोनों जो होल में है वो लगा दूंगी। एंड लास्ट में जो है हम दोनों एंड को पकड़ के ऊपर जो है एक नॉट टाई कर देंगे, और ये जो है अब हैंगिंग के लिए रेडी है। तो चलिए हैंग करके इसको देखते हैं कि ये कैसा लुक देता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।